हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साबुनी किचन में। आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार मसालेदार भिंडी आलू की सब्जी। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो आमतौर पर हर किसी के घर में होती है, काफी नए नए प्रकार से भी बनाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हमारे स्टाइल की भिंडी आलू की सब्जी। तो सबसे पहले सब्जियों में हमने लिया है 400 ग्राम भिंडी, एक मीडियम साइज प्याज, एक मीडियम साइज टमाटर, एक मीडियम साइज आलू जिसको कि हमने छोटे क्यूब्स में काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च जिसको कि हमने बीच में से काट लिया है, आप ये अपनी स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच अदरक जिसको कि हमने बारीक काट लिया है और 6 से 7 लहसुन की कली इसको भी हमने बारीक काट लिया है। भिंडी बनाने के लिए हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और मसालों में हमने लिया है 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक। तो सबसे पहले भिंडी को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद उसको सुखा कर अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे। अब हम भिंडी को इस तरह से छोटे पीस में काट लेंगे। अभी सबसे पहले हम सरसों का तेल गर्म करेंगे और अपनी गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और उसमें डालेंगे आलू। आलू को आप अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कीजिए जब तक कि हमारे आलू का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी देखिए हमारे आलू मसलने लग गए हैं, इसका मतलब हमारे आलू पक गए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह से हम भिंडी को भी इसको डालेंगे और फ्राई करेंगे। भिंडी को भी आप अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कीजिए जब तक हमारी भिंडी सॉफ्ट ना हो जाए। और फ्राई होने के बाद इसको भी आप एक प्लेट में निकाल दीजिए। अब आप उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब भी हमारा तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे अजवाइन, जीरा और उसके बाद उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और उसको अच्छी तरह से हिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च की पीस और उसको भी अच्छी तरह से हिला देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। जैसे ही हमारे प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और उसको अच्छी तरह से हिला देंगे। हम लाल मिर्च पाउडर टमाटर से पहले डाल रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से हमारी प्याज का कलर और भी निखर कर आता है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, उसको अच्छी तरह से हिला देंगे और उसके बाद इसमें डालेगा हमारा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और इन सबको हम अच्छी तरह से 1 मिनट तक हिला देंगे। इसके बाद इसको हम 1 से 2 मिनट तक ढक देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएं। बीच बीच में आप इसे ज़रूर चेक कीजिए ताकि हमारा मसाला कहीं जल ना जाए। जैसे ही हमारा मसाला कढ़ाई में से निकलने लग जाए इसका मतलब समझ जाइए हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और उसके बाद फ्राई किए हुए भिंडी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा जितना भी मसाला है भिंडी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने भिंडी पहले ही फ्राई कर ली है तो हमारी भिंडी चिपकेगी नहीं। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारी मसालेदार भिंडी आलू की सब्जी। आप भी इसे ट्राई करें और हमें बताएं आपको कैसी लगी है रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय मामा वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।